हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ अमृतसरी पिंडी चना। इसको बड़े ही आसान तरीके से बना रहे हैं। इसके साथ मैंने जीरा आलू भी बनाए हैं, तो आइए देखते हैं हमने इनको कैसे बनाया है। तो मैंने 400 ग्राम्स चने ले लिए हैं। इनको मैंने रात को ही सोक करके ओवरनाइट के लिए रख दिया है। तो इनको अब हम सुबह अच्छे से साफ़ पानी से धो के ले लेते हैं। इनको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। ये चने मैंने साफ़ पानी से बिल्कुल निकाल के ले लिए हैं। इनको हम कुकर में ऐड कर देते हैं और इनको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो पानी हमने बिल्कुल उतना ही लेना है जितने में चने अच्छे से भीग जाएं, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो इतना पानी हमने ले लिया है और इसको हम 2 whistle आने तक बनाएंगे। हमने इनमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसमें हम 2 टुकड़े दालचीनी के और तेज़पत्ता 2 और मोटी इलायची और इसमें हमने लौंग ऐड कर दिए हैं। 2 whistle आ जाएगी तो हम इनको 15-20 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकने देंगे। इसमें हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया है, इससे हमारे चने बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। और इसको हम लिड लगा के पकने के लिए रख देते हैं। साथ ही साथ हम इसके लिए मसाला भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर ले लिए हैं। इनको हम चॉप कर लेते हैं। इनको हमने चॉप कर लिया है और इसको हम ग्राइंडर में पेस्ट बना लेते हैं। आप चाहो तो इनको ग्रेट भी कर सकते हो, जैसे दोनों तरीके से हो सकता है। तो मैंने इनको पेस्ट बना लिया है। इसका पेस्ट बन के रेडी है। टमाटर को भी मैंने कट करके इनका पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। तो अब हमारे चने बॉयल हो चुके हैं, हम देख लेते हैं। आइए चेक कर लेते हैं। तो चने बिल्कुल हमारे अच्छे से देखो पक चुके हैं, बहुत अच्छे से गल गए हैं और ये अच्छे से अब प्यूरी में मिक्स भी हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही चने हमको अच्छे से गला के ले लेने हैं। बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं देखिए। तो हम इनके लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। हमने तेल को गरम कर लिया है अच्छे से कढ़ाई में। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग पाउडर ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ हम इसमें तेज़पत्ता भी ऐड कर देते हैं और लाल सूखी ड्राई वाली मिर्च भी ऐड कर देते हैं। और हमने इसमें मोटी इलायची भी ऐड कर दी है। थोड़ा सा जीरा ऐड कर देते हैं हम इसमें। जीरा ऐड कर दिया हमने। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है अदरक, लहसुन और प्याज का, हम वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको हम धीरे धीरे चलाते हुए मसाले को हम रोस्ट कर लेंगे। मसाला हमने अच्छे से इसको रोस्ट कर लेना है। जब हमारा मसाला अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें फिर मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए हम इसको लो टू मीडियम आंच पे अच्छे से भून के रेडी कर लेते हैं। चलाते हुए हम इसको अच्छे से पका लेते हैं। तो मसाला हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम इसमें अब सॉल्ट ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ हम इसमें रेड चिल्ली भी ऐड कर देते हैं। रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया हमने। अब हम इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम स्लो आंच पे पकने देते हैं। अब हम इसमें कश्मीरी रेड चिल्ली भी ऐड कर देते हैं। इससे चने का कलर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे। और इसमें हमने 3 tablespoons चना मसाला ऐड किया है। चना मसाला ऐड करके हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसालों को हम मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे, इनका कच्चापन निकल जाए। अब हमने इसमें कसूरी मेथी को ऐड करना है। अच्छे से हमने हाथ में कसूरी मेथी को क्रश कर लिया है। अब इसमें हम अनारदाना पाउडर ऐड कर देते हैं। सभी मसालों से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा चने में और चने हमारे एकदम बढ़िया बन के रेडी हो जाएंगे। इसको हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही हमारा मसाला अब रेडी हो जाएगा, हम इसमें जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई है वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं।
मसाला हमारा भून रहा है अच्छे से। इसको हम अच्छे से भूनते हुए टमाटर की प्यूरी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। धीरे धीरे हमने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको हम चलाते रहेंगे स्लो टू मीडियम गैस पे। हम इसको चलाते हुए अच्छे से मसाला हम रोस्ट करते रहेंगे। मसाला हिलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे से लगने ना पाए। इसको चलाते रहिए और पकाते रहिए। बहुत ही बढ़िया मसाला बनके हमारा रेडी हुआ है। इसमें अब हम चाय की पत्ती का हमने ये पानी बना के लिया है, इसको हम छान के इसमें यूज़ करेंगे। अगर आप चाहो तो इस पानी को आप जब आपने चने बॉयल किए थे उस टाइम भी डाल सकते हो। हमने क्योंकि उसमें टी बैग नहीं डाले तो हमने चाय की पत्ती से पानी बॉयल करके ले लिया है। बड़े ही इजी मेथड से हमारे चने बिल्कुल अमृतसरी पिंडी चने वैसे ही कलर के बन के रेडी हो जाएंगे। तो इसमें हमने चने ऐड कर दिए हैं, देखो अभी से कलर कितना बढ़िया लग रहा है, मसालों से ही इतना बढ़िया कलर आ गया है। तो अब हम इसमें सारे चने ऐड कर देंगे और चने जैसे ही हमारे मिक्स हो जाएंगे तो हम वो जो हमने पानी बनाया है उसको भी हम छान के इसी में ऐड कर देंगे और इसको हम 10-15 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम गैस पे पकने देते हैं। तो चने हमारे अच्छे से बन के बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। साथ ही साथ हम अब इसमें अच्छा सा एक बढ़िया देसी घी का तड़का लगाएंगे ऊपर से। तो आइए हम तड़के के लिए तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक पैन में देसी घी डाल लेना है। देसी घी 2 से 3 चम्मच हम देसी घी की ले लेते हैं। इसको हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। देसी घी हमारा जब गर्म हो जाएगा तो हमने गैस को कर देना है बंद और तब हमने डालनी है इसके ऊपर कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो चने हमने बनाए हैं उसके ऊपर हम इसको अच्छे से तड़का मारेंगे। इससे चने का कलर और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये हमने इसके ऊपर डाल देना है बिल्कुल अच्छे से गर्मा गर्म तेल। एकदम बढ़िया कलर आ गया है। इसके ऊपर अब हम कटी हुई ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर देते हैं और ऊपर से हम कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर देते हैं। हमारे चने बन के बिल्कुल बढ़िया से रेडी हो गए हैं। अब हम इसके लिए स्लो गैस करके इसको पकने देते हैं और उधर हम अपने जीरा आलू भी बना के रेडी कर लेते हैं। इसके साथ जीरा आलू का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है, बच्चों को तो बहुत ही टेस्ट इसका अच्छा लगता है। तो हमने पैन को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें हम घी को ऐड करेंगे। घी गर्म होते ही हम इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें जीरा ऐड कर देते हैं, लाल सूखी मिर्च ऐड कर देते हैं और इसमें हम अब सॉल्ट ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर देते हैं और साथ ही साथ हम इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर देते हैं। बॉयल आलू हमने काट के रखे हुए हैं। मसाला अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें कटे हुए बॉयल वाले आलू भी ऐड कर देते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1-2 मिनट के लिए हम इसी में आलू को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। फिर हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। बड़े ही चटपटे से हमारे आलू बन जाएंगे। हम इसमें चिल्ली पाउडर को भी ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। चटपटे आलू भी हमारे रेडी हो चुके हैं और चने भी हमारे रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल एकदम बढ़िया चने हमारे बन के रेडी हैं। इसको आप भटूरे के साथ या कुलचे के साथ, परांठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हमारे चने और आलू बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। तो आइए हम इसको सर्व कर लेते हैं। इसको आप इंजॉय कीजिए, ज़रूर बनाइए और एक बार ऐसे इस तरीके से बना के आप खा के देखिए कैसे लगते हैं आपको ये वाले चने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आज की टिप ये है कि कसूरी मेथी को आप हमेशा फ्रिज में ही रखें तो उससे बहुत अच्छे से कसूरी मेथी क्रश हो जाती है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रूट एंड चेरी।